You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. And I'm thinking about you. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो ये मेरा जो उज्बेक का ट्रिप है उसका सेकंड डे है, और सेकंड डे में जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, ताशकंद से हम लोग आए थे समरकंद, और यहाँ हम लोग को 3 दिन रहना है। और यहाँ पर हम लोग अच्छे से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके आए हैं देखने के लिए, और हम लोग अभी देखेंगे अमीर तैमूर म्यूज़ियम। मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर रही हूँ, तो मैं नीचे लिख दूँगी जो भी है। अमीर तैमूर म्यूज़ियम वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ का व्यू देखेंगे। ऑसम व्यू है फ्रेंड्स। और इसका मैं अगर राइट टाइम बताऊँ कि किस टाइम पे आने का है, तो आप अगस्त टू अर्ली अक्टूबर आओ। स्प्रिंग सीज़न इज़ द बेस्ट सीज़न। और ये है अमीर तैमूर म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही खूबसूरत था फ्रेंड्स। और इसमें आपको बहुत अच्छी सी वाइब्स आएगी, बहुत ही आपको अच्छा फील होगा, और आपको लगेगा कि आप एकदम मतलब एंशिएंट वाइब्स आएगी आपको, मेरा कहने का मतलब है। और इसमें जो ब्लू कलर है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ऑसम व्यू था, ऑसम। और इसका एंट्री टिकट है 30,000 पर पर्सन सोम। यहाँ पे वहाँ पे जैसे रुपीज़ चलता है, यहाँ पे सोम चलता है। तो ये था, ये है इसका एंट्री गेट, और यहाँ से स्टार्ट होता है म्यूज़ियम का पूरा व्यू। मैं आगे और भी सब चीज़ बताती जाऊँगी, पहले मैं एक बार पूरा अच्छे से कैमरा घुमा के आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर आपको छोटी सी मार्केट भी मिल जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेस और ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी ये सब आपको मिल जाएगा। आप लेना चाहो तो स्कार्फ, सिल्क का एकदम प्योर सिल्क का स्कार्फ, बैग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा और यूनिक कलेक्शन था। बहुत ही मज़े की चीज़ भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। आप अगर उज्बेक जाओगे तो आपको सेलिब्रिटी वाली एहसास होगी। ये लोग उज्बेक पीपल इंडियंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके साथ आपको पकड़ पकड़ के जो भी इंडियंस मिलते हैं उनको, उनके साथ पकड़ के इन लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। मतलब हर मतलब पॉइंट्स पर आपको 10-15 ऐसे उज्बेक ही मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे मेरे साथ फ़ोटो लो, एकदम आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। इन 10 दिनों में मुझे एकदम पूरा सेलिब्रिटी वाला एहसास हो रहा था, इतने अच्छे और इतने प्यारे होते हैं ये लोग। और ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर साइज़ का, और बीच में छोटा सा उठा हुआ है और चारों तरफ से होल किया हुआ है, ये एक्चुअली बारिश के पानी का मतलब समझ लीजिए, बारिश का पानी यहाँ पे स्टोर होता था, और स्टोर होके ये नीचे होल से किधर जाता था इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हर जगह पे ये स्क्वायर करके बना हुआ है, ये बारिश के पानी के लिए ही बना हुआ है, जैसे कि गाइड ने बताया।
से इंटर करते ही तैमूर का मकबरा मिलेगा। तैमूर के मकबरा के साथ ही साथ उनके दो बेटे का भी मकबरा यहीं पर है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से पूरा अच्छे से अरबिक में दुआ लिखी हुई है और कुछ लोग यहाँ पे प्रेयर भी कर रहे हैं, वो भी मैंने आगे में दिखाया है। और इस जगह की बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यूज़ भी है और इसके पीछे बहुत स्टोरी भी है। अब इतने छोटे से ब्लॉग में वो स्टोरी कवर करना बहुत ही मुश्किल है। कभी मैं फिर से टाइम मिलेगा तो मैं इसको अलग से इसमें बनाऊंगी। जिस तरह से इन लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं इसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग देखो क्योंकि फिर म्यूज़ियम से निकल के बहुत ही थकान सी लग रही थी और भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने लंच लिया। लंच में यहाँ पे सबसे पहले आपको नान देंगे। नान जो है यहाँ का, नान मतलब कि क्या बोलते हैं, डबल रोटी बोलो या कुछ भी, वो देते हैं। नान यहाँ का पीस का सिंबल है। आप हम लोग को यहाँ पे स्टार्टर में जो भी चीज़ होता है, लेकिन इन लोग का स्टार्टर सिर्फ नान से होता है। पहले आपको नान देंगे, नान एकदम मोटा मोटा सा रहता है, हार्ड हार्ड सा रहता है, और सैलड देंगे और कोल्ड ड्रिंक्स देंगे। उसके बाद आपको जो लेना है ले लो, ये मतलब कंपलसरी समझ लो इस टाइप से रहता है। और यहाँ का फूड जैसे कि मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा फीका फीका सा रहता है, तो इसी टाइप का था। तो इंडियन रेस्टोरेंट भी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस तरह का फूड होता है वहाँ पे, इस तरह का मेनली लोग खाते हैं। नान यहाँ का मेन फूड है। और उस खाना लंच करने के बाद हम लोग रेगिस्तान स्क्वायर आए। यहाँ का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू था फ्रेंड्स। यहाँ पे भी जो चीज़ मैंने देखा ना, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भी आपको मॉन्यूमेंट्स जो मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। और इसमें जो आर्किटेक्ट किया गया है, इसमें जो कलर यूज़ किया गया वो ऑसम है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम यूनिक कलेक्शन था। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे कपल्स को देखा। अब पता नहीं कि ये लोग प्री वेडिंग वीडियो शूट कर रहे थे या फिर अभी इनका वेडिंग का टाइम था। जो भी था, कपल बहुत खूबसूरत लग रहा था, दोनों जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये प्यारा सा बच्चा है जो कि बहुत ही क्यूट था, बहुत ही क्यूट। मुझे तो मन कर रहा था इसको उठा के इंडिया लेके आ जाऊँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट था। तो इस तरह से हम लोग ये रेगिस्तान स्क्वायर में बहुत ही अच्छा वक्त गुजारे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसका आर्किटेक्ट हर एक चीज़ मतलब ऑसम था।
वहाँ पे कुछ स्टैचूज रखी हुई थी जो कि उस टाइम के एरा को दर्शाता था कि किस टाइप से वहाँ पे एजुकेशन होती थी, मदरसा सिस्टम था, मदरसा सिस्टम में किस तरह से पढ़ाई होती थी, ये सारी चीज़ें स्टैचू के थ्रू बताया गया है। ये छोटा सा शॉप है जिसमें कि आपको ज्वेलरीज वगैरह अच्छे सारी मिल जाएगी, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थी तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। इस तरह का छोटा छोटा शॉप हर एक कॉर्नर पे, हर एक जगह पे बना हुआ रहता है। हम लोग को बहुत तेज़ की भूख लग गई थी और हम लोग कुछ भी खाना नहीं खाना था, इसलिए हम लोगों ने इंडियन किचन को सेलेक्ट किया। यहाँ पे समरकंद में आपको इंडियन खाना भी मिल जाएगा इजीली। ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है द इंडियन किचन, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन फूड खाया। आप नॉन वेज वेज जो खाना चाहते हो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आज का दिन गुजरा। फिर कल का ब्लॉग कल के दिन। ओके जी, बाय। खाना वाला बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय बाय।